आज के इस कार्यक्रम में इस ग्रंथ के लोकार्पण के लिए पधारे आंध्र प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय अब्दुल नजीर साहब जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित एशियानेट के राजेश काडरा जी, सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष और वर्षों से मेरे मित्र राजीव टुली जी और श्रीमती अनिल नैनी यशमी जी, सभागार में उपस्थित श्री सज्जन बंधु श्रद्धेय माता भगिनी, सर्वप्रथम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन से संबंधित उनकी जीवनी, इसके इंग्लिश में मैन ऑफ द मिलेनिया डॉक्टर हेडगेवार, इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए सुरुचि प्रकाशन दिल्ली और इसके इंग्लिश में भाषांतर करने वाले स्वर्गीय श्री अनिल नैनी जी, ये सभी हम सबकी ओर से अभिनंदन के लिए पात्र हैं। सुरुचि प्रकाशन के बारे में राजू जी ने कहा ही है, श्री अनिल नैनी जी के बारे में संक्षेप में यहां कहा गया। मैंने अनिल नैनी जी से कई वर्षों तक मेरा संपर्क संबंध रहा, इंग्लैंड के मेरे प्रवास में भी, भारत में जब भी आते विशेष करके पुणे में थे और अन्य अन्य स्थानों पर आए, कार्य करते करते वो इस लोक से चले गए। थाईलैंड में बैंकॉक में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में वो वहां भाग लेने आए थे, पहले दिन रहे और तीसरे दिन होटल के रूम से वो बाहर नहीं आए। कार्यक्रम समारोह होने के बाद सभी को लगा अनिल जी नहीं दिख रहे हैं, तो तब तक परिस्थिति अपने नियंत्रण से बाहर हो गई थी, वो इस लोक से हमेशा के लिए चले गए। इसलिए राजीव जी ने ठीक ही कहा, आज के पुस्तक के लोकार्पण एक दृष्टि से स्वर्गीय अनिल नैनी जी की स्मृति में श्रद्धांजलि भी है। वैसे उनको इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहते तो हमारा आनंद ज्यादा होता। भाभी जी यहां आई हैं, इसलिए मैं हम सबकी ओर से अनिल नैनी जी को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। और उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे एक श्रेष्ठ कार्य उन्होंने किया, और इंग्लिश में नाना पालकर जी की जो लेखनी से कलम से जो अधिकृत दृष्टि से डॉक्टर साहब के जीवनी प्रकाशित हुई 50 के दशक में, तब तक का डॉक्टर जी के स्वर्गवास होकर 10-12 साल हो गए थे, उससे ज्यादा भी हो गए थे। उससे पहले एक छोटी सी पुस्तिका डॉक्टर जी के बारे में, उनके देहांत के पश्चात क्रिया सिद्धि सत्य महतान उपकरणे इस शीर्षक से छपी थी, बहुत छोटी थी। डॉक्टर जी के बारे में नाना पालकर जी ने बहुत शोध करके
डॉक्टर जी के जीवन में उनके साथ जो कार्य किए, जो तब जीवित थे ऐसे लोगों से मिलकर, या डॉक्टर जी के पत्र जो मिले उसके आधार पर, उन दिनों में समाचार पत्रों में जो मिला था उसकी दृष्टि से उन्होंने तो एक अधिकृत डॉक्टर हेडगेवार चरित इस नाम से मराठी से उन्होंने प्रकाशित किए हिंदुस्तान के हर भाषा में पिछले दशकों में उसका अनुवाद हुआ था। अंग्रेजी में किसी ने पहले एक दो बार प्रयत्न तो किए थे, किसी ने किसी कारण से वो पूर्ण नहीं हो पाया और अंग्रेजी अनुवाद के बारे में भी थोड़ा सा समाधान नहीं हुआ था। अनिल नेने जी ने प्रयास किया। वैसे अंग्रेजी में दो विशेष रूप से मैं उल्लेख करूंगा, दो पुस्तकें अंग्रेजी में आए हैं, डॉक्टर हेडगेवार द इपोक मेकर, माननीय एचवी शेषादी जी जो संघ के माननीय सरकारी वाह रहे हैं, जीवन प्रचारक रहे हैं, उस प्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, लेकिन वो पूर्ण नहीं था इसके आधार पर। लेकिन अंग्रेजी में एक दृष्टि से अधिकृत ग्रंथ के नाते वो उपलब्ध है। दूसरे पुस्तक नाना पालकर जी को उस समय किसी न कारण से जो शोध कार्य में उनको उपलब्ध नहीं हुआ होगा, उनके पास संसाधन कम होंगे, वो कितने कर पाए मैं तो नहीं जानता, लेकिन अधिक रूप से जैसे बताया एक ऑथेंटिक बायोग्राफी तो है ही, लेकिन कई नई जानकारी के साथ इस सभागार में उपस्थित है हमारे मित्र प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी ने डॉक्टर हेडगेवार बारे में एक जीवनी उन्होंने लिखी, वो प्रकाशित है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और कई भाषाओं में उसका भी अनुवाद हुआ है। संघ के बहुत सारे अध्ययनशील लोग, संघ के कार्यकर्ता अधिकारियों में राकेश सिन्हा जी के उस पुस्तक के बारे में विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया, क्योंकि नाना पालकर जी को जो कुछ बातें उस समय उपलब्ध नहीं हुई होगी वो इसमें आए राकेश सिन्हा जी के। इसलिए मैं एक दृष्टि से कहूंगा नाना पालकर जी के जो पुस्तक अभी जो आज लोकार्पण हुआ है इंग्लिश, राकेश सिन्हा जी के पुस्तक और माननीय शेषाद्री जी के पुस्तक, तीनों मिलकर तीन वॉल्यूम्स के मिलकर डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवनी पूर्ण हो जाती है, ऐसे मानना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं आप पढ़िए, वो दोनों भी पढ़िए। वैसे देखा है तो आज मेरा भाषण वैसे यहां बहुत प्रासंगिक नहीं है, क्यों? मैं संघ के कार्य करता हूं और साल भर संघ के बारे में बोलता ही रहता हूं, इसलिए मैंने कहा मुझे आज मुख्य भाषण नहीं करना है। अभी राजेश जी काला जी ने संघ के बारे में उनके अनुभव के आधार पर कुछ बातें बताई, हम संघ के लोग ऐसे लोग हैं, इतने शुष्क हैं, हम धन्यवाद भी नहीं देते, तुमको लगता ठीक है अच्छी बात है आपने संघ को इतने समझ लिया नजदीक से, तो कि संघ को दूर से समझने के प्रयत्न मत करो, संघ में आओ, देखो संघ के लोगों से नजदीक से देखो, देखो आपको ठीक नहीं लगा तो चले जाओ। तो ऐसे कई बार हम कहते हैं, तो संघ के समझने के लेकिन दिल ज्यादा चाहिए, क्योंकि संघ उस प्रकार के व्यक्ति के कारण बना हुआ है। डॉक्टर हेडगेवार केशव राव उनके नाम था, बलिराम पंत उनके पिताजी का नाम था, नागपुर में उस समय उनके जन्म हुआ जब देश के अंदर अंग्रेजों के राज चल रहा था। नागपुर ऐसे केंद्र था कई प्रकार के देश के मुक्ति के लिए स्वतंत्रता संग्राम के कई प्रकार की धाराओं के लोग
नागपुर में उपलब्ध थे। उन सबके कारण एक वातावरण भी ऐसा बना था, उस वातावरण में डॉक्टर सबका जन्म हुआ और डॉक्टर जी जन्मजात देशभक्त थे। उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में यदि विचार करें तो वो किसी प्रतिक्रिया से देशभक्ति उनके नहीं थी। यहां अंग्रेज राज चला रहे हैं इसलिए देशभक्ति, ऐसे नहीं। उनके देशभक्ति इस राष्ट्र में हम जन्मे हैं तो ये अपना ऋण है, हमारा कर्तव्य है, तो इसलिए ही वॉज ए बॉर्न पेट्रियट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग पेट्रियट एंड एन एक्टिव पेट्रियट। और इसलिए उनके वाणी में वह देशभक्ति धड़कती थी। उनके संपर्क में आए हुए लोग देशभक्ति के उस स्फूर्ति को, प्रेरणा को लेकर ही जाते थे। ऐसे कई उदाहरण तो डॉक्टर साहब के पूरे जीवनी तो यहां मैं नहीं बताऊंगा। इस पुस्तक के संदर्भ में कुछ बातें डॉक्टर जी के बारे में आपके समक्ष रखें तो डॉक्टर जी के एक व्यक्तित्व के बारे में, विचार के बारे में, उन्होंने जो कार्य किया उसके बारे में और उनके जीवन का संदेश, इसको हम थोड़ा सा देखें। डॉक्टर जी ने एक संगठन प्रारंभ किया जो आज विश्व में अध्ययन के एक विषय बना हुआ है। एवरी ईयर देर आर बुक्स बीइंग पब्लिश्ड ऑन द मूवमेंट कॉल्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड द पीपल हु आर स्टडीइंग द आरएसएस आर नॉट द स्वयंसेवक द आरएसएस मेनी पीपल हु मे बी आइडेंटिफाइड एज द आउटसाइडर्स। RSS doesn't consider anyone to be outsider. However, in order to make my words better understood, I am saying that people who have not worked in the RSS, those who have tried to attend RSS just now, as Rajesh Kalraji was mentioning, people of this country, people of other countries, they have come out with books on RSS. संघ के कार्य के संदर्भ में, संघ के विचार फिलोसफी के बारे में, संघ ने समाज में क्या बदलाव लाया है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पुस्तक लिखे हैं। पिछले एक दशक में मोर देन डजन बुक्स हैव कम आउट। द फाउंडर ऑफ RSS पास्ड अवे इन द ईयर 1940। देश स्वतंत्र होने के 7 साल पहले स्वर्गवास हो गया। तो आज इतने वर्षों के बाद भी डॉक्टर हेडगे बारे में अध्ययन करना, उन्होंने क्या किया ऐसे जिसके कारण से राष्ट्र सर्वोपरि, देश के लिए जीवन के हर कण को, हर क्षण को देना चाहिए, ऐसे कहने वाले लोग हर पीढ़ी में जन्म लेते हैं और संघस्थान में ऐसे लोग तैयार होते हैं। ऐसे कौन सा मंत्र, ऐसे कौन सा तंत्र इस महानुभाव ने दिया, यह अध्ययन के विषय आज विश्व भर में बना हुआ है। ए पीपल आर स्टडिंग नॉट जस्ट RSS बट द फाउंडर ऑफ द RSS। लेकिन राष्ट्र डॉक्टर हेडगे और कैसे थे, उन्होंने कहा मैं फाउंडर नहीं हूं और मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर हेडगे ने कभी यह नहीं कहा मैंने RSS का प्रारंभ किया है। उन्होंने जिस दिन संघ को प्रारंभ किया अपने घर के ऊपर के कमरे में 16 लोगों के सामने, उन्होंने कहा हम लोग आज संघ का कार्य प्रारंभ करेंगे। उस दिन संघ का नाम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बना। 6 महीने के बाद संघ के कार्यकर्ता जो उनके सहयोगी थे उन सबको बिठाकर उन्होंने पूछा अपने कार्य का नाम क्या रखा जाए। And democratically it was decided that it will be Rashtriya Swayamsevak Sangh.
तो फिर उन्होंने 4 महीने के बाद और एक बताया, आपको संघ का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, लिख के लाइए। तो फिर संघ के गुरु कौन होने चाहिए इसकी चर्चा की। उन्होंने कभी अपने को गुरु नहीं माना, किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना। उन्होंने कहा व्यक्ति कितने भी बड़े हो, आज ऐसे हैं कल ऐसे हैं, दोस्त दिखते होंगे और देखने वालों के मन में कैसे हैं ऐसे गुरु दिखते हैं, इसलिए उन्होंने कहा भगवान ध्वज गुरु है। एक विशिष्ट प्रकार के सोच के व्यक्ति थे, तो इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा मैं कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। उन्होंने कहा मैं कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं कर रहा हूं, भारत में अपने समाज को यहां के प्राचीन संस्कृति परंपरा के आधार पर युगानुकूल संदर्भ में इस समाज को संगठित अवस्था में लाने का प्रयत्न हर युग में होता रहा है, उसी कार्य को मैं आज इस संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहता। मैं कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं कर रहा हूं। He did not claim any credit for founding a new organization. डॉक्टर हेडगेवार उस प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने ये समाज का काम है, समाज के लोग करेंगे, तो इसलिए उन्होंने जब उनको सरसंघ चालक के नाते कार्यकर्ताओं ने किया घोषित करके उनको प्रणाम दिया, उसके बाद 1933 सितंबर में अपने डायरी में उन्होंने लिख के रखा, इस संघ का जन्मदाता अथवा स्थापकर्ता मनावर आप सब हैं, इसका मुझे पूरी तरह ज्ञान है। दूसरे बिंदु, आपके द्वारा उत्पन्न संघ का आपकी इच्छा एवं आज्ञा से मैं धात्री का काम कर रहा हूं। आई एम ओनली ए मिडवाइफ। इसके आगे भी आपकी इच्छा और आज्ञा होगी तब तक यह काम मैं करता रहूंगा, तथा यह काम करते हुए कितनी कठिनाई और मान अपमान सहन करने की बारी आई तो भी मैं अपना पांव पीछे नहीं हटाऊंगा, परंतु मेरे इस काम के लिए अयोग्य होने के कारण मुझसे संघ का नुकसान होता हो ऐसा यदि आपको लगे तो दूसरा योग्य मनुष्य इस स्थान के लिए ढूंढ निकालिए, मैं उनके आज्ञा अनुसार काम करता रहूंगा। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं होगा, नेवर, कभी उन्होंने ऐसे नहीं सोचा, कभी ऐसे उन्होंने व्यवहार नहीं किया। उन्होंने सामूहिकता को, टीम वर्क को हर प्रकार से उन्होंने तो इसलिए डॉक्टर जी के व्यक्तित्व एक आत्मविलोपी तो है ही, लेकिन संगठन शास्त्र के एक ऐसे वो ज्ञाता थे, समाज को संगठित अवस्था में ही दिखना चाहिए, इसलिए संगठन की आवश्यकता, संगठन व्यक्तियों से बनता है, इसलिए व्यक्ति निर्माण की आवश्यकता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, व्यक्ति निर्माण का कार्य। देखिए कोई भी समाज में सभी कहेंगे व्यक्ति कैसे चाहिए भाई, तो कहेंगे देशभक्त चाहिए, ईमानदार प्रामाणिक चाहिए, सेवाभावी चाहिए, ठीक है, कहां से तैयार होगा, से विद्यालयों की शिक्षा से, समाज के वातावरण से, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व से, इन सबके कारण होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, स्वतंत्रता के आंदोलन में ही लोग एक दूसरे के टांग खींचने वाले क्यों बने, क्रांतिकारियों में एक दूसरे के लोग पुलिस को बताकर रहा उसको जेल के भेजकर वो खुद को बचे, ऐसे भी हो गए हिंदुस्तान में, इतिहास देखें। मैं देश के लिए सर्वस्व समर्पित कर दूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 13 वैभव अमर रहे हमारे रहे ना रहे, इसको जीवन में चरितार्थ करने वाले लोगों को तैयार किए बिना एक का समाज अपने वैभव को
नहीं प्राप्त कर सकता। इस विचार से डॉक्टर हेडगेवार ने क्रांतिकारी कांग्रेस के विदर्भ प्रांत के सह सचिव बनकर सब उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के सब प्रकार के कार्य में अनुभव लेने के पश्चात भी ये मूल कार्य की आवश्यकता है इसको उन्होंने समझा और उनका विचार रखा, उसके लिए शेष जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। एंड द रिजल्ट इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस टू सी नाउ। ऐसे एक संवेदनशील व्यक्ति, साहसी, धीरज भी रखने वाले के को एक एक बिंदु उन्होंने कैसे होने चाहिए, मनुष्य के साइकोलॉजी व्यक्तिगत दृष्टि से सामूहिक दृष्टि से द इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड द कलेक्टिव साइकोलॉजी इसको उन्होंने समझा। मैं समय के अभाव से इन सारे विषयों के विस्तार से नहीं बताऊंगा। देर हैव बीन मेनी स्टडीज ऑन दिस। लीडरशिप क्वालिटी को कैसे डेवलप करना चाहिए, टीम वर्क को कैसे डेवलप करना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो किया आज मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए स्टडी का विषय बना हुआ है, ऐसे पुस्तकें छपी हैं। तो इसलिए संगठन शास्त्र के एक न केवल ज्ञाता है, संगठन के निर्माता है। और विचार के दृष्टि से जैसे मैंने कहा प्रखर अर्थ, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। देश की स्वतंत्रता के लिए दो बार वो जेल यात्रा किए 1921 में और 31 में। उन्होंने स्वतंत्रता के हर प्रयास में कार्य किया, स्वतंत्रता आंदोलन में। तो राष्ट्र समाज के एक आत्मविश्वास को, पुरुषार्थ को जगाए बिना राष्ट्र वैभव संपन्न नहीं हो सकता। अपने समाज में तीन प्रकार के दोष हैं, कालक्रमेण हम समाज के अंदर ये अवनति आ गई। एक, हम आत्माभिमान शून्य हो गए, लॉस्ट अवर सेल्फ रेस्पेक्ट एज ए नेशन। सेकेंड, डॉक्टर जी फाउंड दैट we are unable to give up our selfishness, एक आत्मकेंद्रित, सेल्फ सेंट्रिक हो गए। मैं पहले, बाद में देश। तीसरा, संगठित रूप में रहने के साथ चल नहीं सकते। चार लोग इकट्ठा आएंगे तो हमारे अलगाव क्या क्या है, कैसे हम भिन्न हैं, कैसे हम समान हैं, ये कम हो जाता है। इन तीन दोषों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसके आधार पर समाज के लिए उन्होंने कहा। इसलिए संस्कृत में एक केशवाष्टकम करके जो डॉक्टर हेडगेवार के बारे में रचना हुई है उसमें यही कहा है, यो डॉक्टर एति पिछजाम पदमा दधानो विज्ञातवान भरत भूमि रुजान निदानम संघौषधम सुदपादिन वंचयेन तं केशवं मुहुरं मनसा स्मरामि। वो डॉक्टर थे, डॉक्टरी पढ़ाई की, प्रैक्टिस तो नहीं किया, लेकिन वो डॉक्टर ने भारत भूमि के जो रोग है इस मिट्टी के, उसको उन्होंने पकड़ा और उन्होंने एक औषध तैयार किए संघौषधम, उसको दिया, इस कारण से वो रोग दूर होने की स्थिति आ गई। ऐसे इसमें सारे कार्य किए, बाल्य विवाह के उन्होंने रोकने के लिए स्वयं आगे खड़े रहे, गो रक्षा के लिए गए, संघ के पहले दिन से जाति अस्पृश्यता इस विषय के बारे में कभी सोचा तक नहीं है। इतना ही नहीं, डॉक्टर हेडगेवार जी ने सामाजिक समरसता के लिए किया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुणे में डॉक्टर जी के साथ उन्होंने चर्चा संवाद किए, बाद में संघ के मंच से कार्यक्रम में बाबा साहेब अम्बेडकर चालुक्य जी ने
उसको अपने डायरी में रिकॉर्ड करके क्या है। स्वतंत्रता के बारे में डॉक्टर हरिवंश नाक में कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ, कांग्रेस अधिवेशन में व्यवस्था में थे, स्वागत समिति में थे, और उस समय 30-31 साल की आयु उनकी थी। वो सब लोग मिलकर नेशनलिस्ट यूनियन करके एक मंच बना था, उन लोगों ने एक सभा की, कांग्रेस के लिए दो प्रस्ताव नागपुर के रिसेप्शन कमिटी के ओर से उन्होंने उसके सामने रखा। रेजोल्यूशन नंबर 1 दैट वाज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर एडगेवार, वो था राज्य के घोषणा करें अपने अधिवेशन में ऐसे विशुद्ध स्वातंत्र्य, ऐसे उन्होंने लिखा है, होम रूल वगैरह नहीं, विशुद्ध स्वातंत्र्य, अंग्रेज यहां से जाना चाहिए, हम अपने देश को हम संभालेंगे। ये कांग्रेस के रेजोल्यूशन तब तक नहीं हुआ था, उसमें भी नहीं हुआ, तो उन्होंने ये विचार रखा। दूसरे उन्होंने कहा जो अपने को विशेष रूप से गौर करने की बात है, दूसरे प्रस्ताव उन्होंने जो रखा था वो है कांग्रेस करे कि भारत में प्रजातंत्र की स्थापना करके विश्व के देशों को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना चाहिए। यानी ही हैड ए ग्लोबल विजन दैट द इंडियास फ्रीडम इज नॉट जस्ट फॉर द लिबरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया बट इट इज फॉर समथिंग मोर, वी हैव टू लिबरेट इमेंसिपेट दोज कंट्रीज हु आर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल कैपिटलिस्ट फोर्सेस। ये उन्होंने कहा। बाद में लाहौर कांग्रेस में जब पूर्ण स्वराज की घोषणा रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा, उसको 26 जनवरी के दिन को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी शाखाओं में उस विषय को आनंद दिए, भाषण होने चाहिए, कांग्रेस का अभिनंदन देकर प्रस्ताव पारित करो, ऐसे उन्होंने पत्र भेजा पूरे देश के अंदर और संघ के शाखा में ऐसे कार्यक्रम हुए। दैट वाज डॉक्टर हेडगेवार। तो इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी की कई, तो मैं सभी केस में नहीं जाऊंगा, डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में उनके जीवन का संदेश क्या है, श्री गुरु जी गोलवलकर जी ने ये जो पुस्तक आज जिसके लोकार्पण हुआ है उसके मूल परिश्रमी एवं कर्मठ जीवन से सर्वसाधारण व्यक्ति को एक आशादायी संदेश मिलता है। दरिद्रता, प्रसिद्धि विहीनता, बड़ों की उदासीनता, परिस्थिति की प्रतिकूलता, पग पग पर बाधाएं, विरोध, उपेक्षा, उपहास आदि का कटु अनुभव के साथ स्वीकृत का साथ साथ स्वीकृत कार्य की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों का अत्यंत अभाव आदि कितनी भी कठिनाइयों के मार्ग में आए तो भी अपने कार्य से कार्य के साथ तन्मय होकर मुक्ति से सुख दुख का माना अपमान यश अपयश आदि किसी की भी चिंता न करते हुए यदि कोई प्रयत्नशील रहेगा तो उसे अवश्य सफलता मिलेगी, यही संदेश डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन का है। आप अपने रास्ते में बाधाएं आएंगे लेकिन आपके रास्ता का मार्ग है। हमारे हृदय के अंदर हमने ये संकल्प है इस मार्ग पर मैं जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त करूंगा और किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं करूंगा और जीवन को स्वच्छ चरित्रवान शुद्ध रखूंगा, ऐसे जो करके आगे बढ़ेगा उसके लिए आज नहीं तो कल सफलता मिलना ही चाहिए, यही डॉक्टर जी का जीवन का संदेश है। माननीय ठेंगड़ी जी 12 साल
यहाँ पार्लियामेंट में राज्यसभा सदस्य रहे हैं। चेंगड़ी जी लेबर फील्ड के बड़े लीडर थे, बहुत सारे लोगों से उनके संपर्क आता था। बालकृष्ण जी करके एक कम्युनिस्ट लीडर थे, डॉक्टर जी के जन्म शताब्दी के संदर्भ में 1989 देश भर में डॉक्टर जी के चित्र वगैरह लगाया सब लोगों ने, लोगों ने पूछा ये कौन है, ये आरएसएस का, आरएसएस जानते हैं, अच्छा ये है क्या आरएसएस का फाउंडर, लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि 1980s में देश में ये सारे इंटरनेट मीडिया वगैरह नहीं थे, आज गूगल में हर चीज मिल जाती है, उन दिनों में नहीं थे, तो इसलिए लोगों को मालूम नहीं था ये कौन आदमी है, कभी देखा नहीं, कभी चित्र देखा नहीं था। तो उस समय एक का इसी पार्लियामेंट के किसी परिसर में तीन चार लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, माने ठेंगड़ी सुन रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कहा, बालकृष्ण जी कम्युनिस्ट लीडर वो भी थे, वो भी राज्यसभा में थे, तो बातचीत में कहा थे हु रिमेम्बर्स डॉक्टर हेडगेवार कर रहे हैं। तो बालकृष्ण जी ने कहा, ठेंगड़ी जी ने कुछ नहीं कहा, तो बालकृष्ण जी ने कहा यू कैन नॉट स्पीक लाइक दैट, देखो आदमी आज प्रसिद्ध होते हैं दिखते हैं ऐसे हमको लगता है, ऐसे नहीं है, द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन हैज टू बी मेजर्ड बाय द लेंथ ऑफ द शैडो दैट इज कास्ट द फ्यूचर टाइम्स, दीज वर द वर्ड्स ऑफ श्री बालकृष्णन जी कोटेड बाई दत्तोपन ठेंगड़ी जी। इसलिए डॉक्टर जी के जीवन के कार्य के संदेश के विचार के कारण उनके जो छाया आगामी भविष्य में लंबे दूर तक मिलते हैं उस व्यक्ति को महान करते हैं, मैन ऑफ द मिलेनिया कहने में वो सार्थकता है, ऐसे मैं मानता हूं। नमस्कार।